अब हम हाँ अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल फोर पॉइंट फोर को देखते हैं अ फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिसमें आपके पास स्पैनर की लेंथ यानी कि मोमेंट आर दे दिया है, जो कि है टेन सेंटीमीटर और फोर्स भी आपको दे दी है हंड्रेड न्यूटन जब ये दोनों चीज़ें आपको दे दी हैं तो इसमें आपने करना ये है कि जस्ट टॉर्क फाइंड करना है तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि टॉर्क जो है 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 वो इक्वल टू एफ एफ क्रॉस एल होता मेरे पास न्यूटन और एल मेरे पास टेन सेंटीमीटर है हम इसमें करेंगे क्या हम अपनी ये प्रैक्टिस बना लेते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी वैल्यू अपने फार्मूला में पुट करें होंगे तो कोशिश करेंगे कि हमारे यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हों अब टेन सेंटीमीटर हमारे पास ऐसा ही नहीं है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए यही है कि आप टेन 10 को हंड्रेड से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा जीरो पॉइंट वन मीटर्स अब आपके पास जो मोमेंट आर्म है वो आ गई है जीरो पॉइंट वन मीटर फोर्स आपके पास ऑलरेडी ऐसा ही में कन्वर्ट हुई हुई थी अब जस्ट इनकी वैल्यूज को टॉर्क के फार्मूले में पुट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट वन इज़ इक्वल टू टेन न्यूटन मीटर जो कि टॉर्क आ गया तो जस्ट आपने क्या किया कि टॉर्क निकाला बाय मल्टीप्लाइंग द फोर्स एंड मोमेंट आर फोर्स आपके पास ऑलरेडी ऐसे यूनिट्स में गिवन थी जबकि मोमेंट आर को आपने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया बाय डिवाइडिंग हंड्रेड